जनपद मुजफ्फरनगर में एक और बीजेपी विधायक का गैर जिम्मेदाराना बयान सामने आया है। गुरुवार की सुबह स्कूली छात्राओं से छेड़छाड़ को लेकर विशेष संप्रदाय के लोगों द्वारा पीड़ित छात्राओं के साथ की गई मारपीट और उसके बाद आरोपियों द्वारा ही पुलिस पर पथराव और उनकी गाड़ी में तोड़फोड़ के बाद बुढ़ाना में हुए तनाव के चलते पूर्व केंद्रीय मंत्री व मुजफ्फरनगर के सांसद संजीव बालियान, बुढ़ाना से विधायक उमेश मलिक कस्बा बुढ़ाना पहुंचे थे, जहां पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों से वार्ता के दौरान विधायक का एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसमें विधायक उमेश मलिक अधिकारियों को निर्देशित करते नजर आ रहे हैं, जिसमें साफ कह रहे हैं कि हम एक घंटा यहां बैठे हैं, तब तक जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं उन पर लाठियां बजनी चाहिए। विधायक द्वारा अधिकारियों को दी गई यह गैर जिम्मेदाराना सलाह पास में खड़े मीडिया कर्मियों के कैमरे में कैद हो गया, जिसके बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान विधायक को इशारों ही इशारों में मौके पर मीडिया कर्मी होने का संकेत देते हैं, जिसके बाद विधायक चुप हो जाते हैं। बाद में विधायक उमेश मलिक मीडिया के सवालों का जवाब देने से कन्नी काटते नजर आ रहे हैं। ये क्या उनके 250-300 लोग थे, केवल नामजद हैं 7 लोग, वो गिरफ्तार हो चुके हैं और जो लोग उनको उनके पुलिस वालों के पीछे भाग रहे थे, जिन लोग प्रशासन को भगाने का काम किया, गाड़ियों के ऊपर प्रहार करने का काम किया, पत्थरबाजी करने का काम किया, उनके ऊपर सबके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं फिर दोबारा कह रहा हूँ, आज शाम तक ही कार्रवाई होनी नहीं विधायक जी, ये कार्रवाई का मामला तो पुलिस का है, पुलिस करेगी, लेकिन आपने जो कहा जनता के प्रतिनिधि होने के तहत कि हम चाहते हैं कि वहां 2 घंटे तक उन पर लाठीचार्ज हो, खड़ा होकर बजाया जाए, इस पर क्या कहना चाहिए? ये पुलिस का अपना विवेक है, मैंने पुलिस को भी है कि ना उनके ऊपर उन्हें सबक मिलना चाहिए और निश्चित रूप से इस प्रकार की कार्रवाई होनी चाहिए जो अगले 15-20 वर्षों तक वो भूल ना पाए। धन्यवाद।